देखिए, हम बात और कर रहे हैं रेजोनेंस इफेक्ट, इसकी वजह से भी हाइब्रिडाइजेशन पे इफेक्ट पड़ेगा। पहले तो आप ये पढ़ें ये रेजोनेंस इफेक्ट है क्या। तो देखिए ध्यान से, पॉइंट क्या है, इफ आप बहुत ज़्यादा डेप्थ में तो ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, थोड़ा सा बेसिक आइडिया लिख लीजिएगा। इफ लोन पेयर और एम्प्टी ऑर्बिटल, कॉन्जुगेट विद डबल बॉन्ड, देन इट्स शो रेजोनेंस। अब यहां दो बातें आती है, एक तो कॉन्जुगेशंस और दूसरा लोन पेयर किस तरह से होगा। दोनों पॉइंट्स हमारे पास होते हैं। देखिए कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है, बस शॉर्ट में लिख लीजिए कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है। यहां पर प्लस हो या लोन पेयर हो, और कार्बन पे लोन पेयर है तो उस पर क्या चार्ज आएगा, माइनस, या कोई भी और एटम हो जिसके ऊपर बिना माइनस के भी लोन पेयर हो सकता है। ये एग्जांपल्स में देखिए, और भी अच्छे रेजोनेंस के, क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस में है, हाँ नहीं, नहीं है कॉन्जुगेशन में, नहीं है तो नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, कौन सा होगा, sp3। क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस में है, ध्यान से देखिए, हाँ तो ये लोन पेयर रेजोनेंस में, तो इसका मतलब ये आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल में होगा, हाइब्रिडाइजेशन में नहीं होगा, 1 2 3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, sp2। तो वो लोन पेयर जो रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन में होते हैं उन्हें हम एटॉमिक ऑर्बिटल में रखते हैं और हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते, और उससे हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाता है। तो यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन है जबकि यहाँ पर sp2 है। ऐसे देखिए, यहाँ पर क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस में है, देखिए नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3। लेकिन ये लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस में, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्योंकि इसके अंदर अब आपके पास ये काउंट होगा, ये काउंट होगा और ये काउंट होगा, वो लोन पेयर काउंट नहीं होगा, वो एटॉमिक ऑर्बिटल में है और एटॉमिक ऑर्बिटल में ही आपका रेजोनेंस होता है। इधर देखिए बी, क्या ये रेजोनेंस, यहाँ बोरोन के पास क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल, और ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, तो ये एक रेजोनेंस में आ जाता है, और रेजोनेंस में आने के कारण बोरोन पे sp2, और इसका भी ये एटॉमिक ऑर्बिटल में होता है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल में है तो शो रेजोनेंस, तो यहाँ पर भी sp2, यानी बोरिक एसिड में ऑक्सीजन और बोरोन दोनों पे ही कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, जोर से बोलो, sp2। तो वो लोन पेयर जो रेजोनेंस में है या कॉन्जुगेशन में, बात एक ही है, उसको हम एटॉमिक ऑर्बिटल में रखते हैं और उसको फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल में काउंट नहीं करते, और जब हाइब्रिड ऑर्बिटल में काउंट नहीं करते तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, लिखें इसको।